एक टाइमर मॉड्यूल है जो कि ऑटोमेटिक ऑन ऑफ करता है किसी भी लाइट को। एलईडी बोर्ड्स के लिए हम इसको यूज़ कर सकते हैं, या वाटर पंप में ऑटोमेटिक ऑन ऑफ करने के लिए इसको हम यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि एलईडी बोर्ड को हमें कभी भी कभी हम दिन में ऑन ऑफ करना भूल जाते हैं और रात को ऑन करना भूल जाते हैं, तो ये जो टाइमर है ऑटोमेटिक रात को ऑन कर देगा और डे में ऑफ कर देगा, चाहे एलईडी बोर्ड हो या वाटर पंप हो या फिर कोई भी बल्ब हो। आइए सबसे पहले मैं इसके बारे में समझाता हूँ। ये जो बटन है ये सेट रिसेट के लिए दी गई है, और ये जो है ये क्लॉक के लिए है, इसे और ये जो है टाइमर के लिए है, टाइम सेट करने के लिए। और इसको कितने दिन यानी हफ्ते में 7 दिन में या 1 दिन 2 दिन 3 दिन आपको जब भी सेट करना है तब इसको हम डे में सेट करेंगे, हावर्स में सेट करेंगे, जिसमें हमें 1 घंटे 2 घंटे से लेकर 12 से 24 घंटे तक हम इसको सेट कर सकते हैं, और ये मिनट्स है। सबसे पहले हम इसके बारे में सेटिंग के बारे में समझेंगे। सबसे पहले सेटिंग करने के लिए क्या करना है, ये जो दो वायर दिए हैं एक इनपुट में 230 वोल्ट के लिए दिया गया है और एक आउटपुट मतलब यहाँ पे हमारा एलईडी बोर्ड होगा या फिर वाटर पंप होगा या फिर एक बल्ब मैंने डेमो के लिए रखा हूँ। पास आइए थोड़ा सा। सबसे पहले मैं इसको टाइमर को कैसे सेट किया जाता है उसके बारे में आपको बताऊंगा। सबसे पहले क्लॉक की बटन है, इसको प्रेस करके आप पहले डे सेट कर लो कि कौन से डे, आज का जो डे है वो है फ्राइडे है ना, तो फ्राइडे पे मैंने ये देखिए यहाँ पे फ्राइडे लिखा हुआ आया है, फ्राइडे पे सेट कर रहा हूँ मैं इसको। उसके बाद में हवर्स, अभी सबसे पहले रिसेंट हवर क्या चल रहा है अभी, अभी जैसे कि हम चल रहा है 11:37 हुआ है, 11:27 हुआ है, तो 11:27 पे प्रेस करके रखना है क्लॉक को। 11 मतलब आज रात का 11 मतलब 23 पे सेट करना है, ये 23:27 पे, ये 23 बजे मतलब 11:27 पे मैंने अभी का टाइम रिसेंट टाइम इसको सेट कर लिया। अब हमें टाइमर सेट करना है कितने घंटे से कितने घंटे, टाइमर पे हमें जाना है, टाइमर प्रेस करना है या ऑन टाइम में जो भी टाइम है, जैसा अभी 11:27 पे मैंने एक टाइम से सेट किया था, तो अभी हम 11:11:32 पे टाइम सेट करेंगे। जैसे एलईडी बोर्ड हमें 11:32 पे चालू करना है, ये 11 हो गया और ये फिर 11:29 पे हमारा ऑटोमेटिक एलईडी बोर्ड चालू हो जाना चाहिए, इसलिए हम इसे सेट करेंगे। अभी ये सेट टाइमर मतलब ऑन का टाइम है ये, अभी हम इसे ऑफ का टाइम सेट करेंगे। जैसे कि 11:00